ಮಂಗಲಿ ಭವನಿಯ ಶಿರಕಿ ಅಜಿರಿ ಬಿಹಾರಿ ರಾಮ ಸಿಯಾದಾ ಸಿಯಾಮ ಜೇ ದೇರಾ ರಾಮ ಸಿಯಾದಾ ಸಿಯಾಮ ಜೇ ದೇರಾ ಮಿಡಿ ಮಿಡಿ ತಾಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾತ ಉಠಾಣಿಗೆ ಜರುತ್ತೀನಿ ಬೇಟೆ ಬೇಟೆ ಕುಚ್ಚು ಕುಚ್ಚು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಚ್ಚೆ ಹರಿ ಅನಂತ ಹರಿ ಕಥಾ ಅನಂತ ಕಹಿ ಸುನಹಿ ಬಹುವಿಧಿ ಸಬ ಸಂತ ರಾಮ ಸಿಯಾರಾಮ ಸಿಯಾರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಸಿಯಾರಾಮ ಸಿಯಾರಾಮ ಜಯ ಜಯ कुर्सियों वालों को किसी ने मना नहीं किया कि आप मत गाना, बस ये मन की बात है जी, ये मन की बात है, क्योंकि हम बैठे हैं और हमारा मन, मैं तो मारवाड़ी में कई बार अक्सर कहता हूं कि यार शरीर यहां पर है, कई लोग हंस लोग और उड़ तो फिर रहे है, तो हंस और शरीर, हंस यानी आत्मा और ये शरीर, ये शरीर और मन दोनों साथ में हो जाए, दोनों हाथ तक उठा के सिया राम जान की मेरे सीने में सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में सदा चली आई ओ
पर। ये चौपाई नहीं, ये सिर्फ चौपाई नहीं, ये हमारे परंपराओं का विषय है कि इस देश में जिसने 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 भी वचन दिया, राजस्थान तो इस मामले में और भी बहुत आगे है, तेजाजी ने वचन दिया तो अपने प्राणों को भी देकर लेकिन गौ माता की रक्षा का धर्म निभाया, बाबूजी ने वचन दिया अपने विवाह को छोड़कर गौ सेवा में चले गए, महाराणा प्रताप ने वचन दिया तो अथक रूप से अकबर से लड़े पर अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करी। आई लव यू, अच्छा आई लव यू, हाँ विपरीत लोग बोलते हैं लेकिन इनको मेरे से ही हो गया, हो सकता है तो मेरे साथ एक बार दोनों हाथों को खड़ा करें, एक बार, एक दो तीन चार पांच। माधवी ने एकदम पीछे कुर्सियों पर बैठे लोग, सदन में जो भी लोग उपस्थित किए ना, हाथ किसी के भी नीचे नहीं रहेंगे, किसी के फ्रैक्चर हो रखा तो उठाना मत, ध्यान रखना थोड़ा। ओ रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, हो प्राण जाए पर तो बोलो राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम नाम अति मीठा है कोई गाके देख लो, राम नाम अति मीठा है कोई गाके देख लो, अच्छे हैं राम प्रभु बुला के देख लो, राम नाम अति मीठा है कोई गाके देख लो, आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख लो, राम नाम अति मीठा है अति मीठा है अति मीठा है। जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तेरे चरणों में चारों धाम, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे नर पावत नाही। बड़ा सुंदर लिखा है जी, अमूमन ये स्कूल का मामला है इसलिए कहता हूं कि मेरा अनुभव भी है ये तो, और आप में बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा, आजकल तो बच्चे नहीं पढ़ते तो पिता लगभग व्यस्त रहता है इसलिए बोलता ही नहीं कुछ, वो खुद ही आता है तो थका हुआ आता है और मोबाइल में फंसा हुआ रहता है, बोले बच्चे सो गए, ठीक बात। पहले जब हम छोटे थे तो पिताजी डंडा लेके पास में बैठते थे, लेकिन वो छोरे को पढ़ना होता तो ही पढ़ता था वो, पिताजी बोले घंटे पर पास में बैठे रहो, किताब में मुंह डाल के ही बैठा रहता था। अरे पिताजी सोच रहे कि पढ़ रहा है और वो लड़का सोच रहा है कि जाए तो मैं भी सो जाऊं। कई लोग हंस रहे हैं, खुद की बातें याद आई होगी पुरानी,
ज्यादा जिनको हंसना आता वो ज्यादा ही कुछ होता होगा ऐसा। संतों ने कहा कि सकल पदार्थ है जगमाही पर कर्महीन नर, जो कर्म नहीं करता उसको, गीता में भी यही भगवान ने कहा, रामायण जी में यही कहा, तमाम देश में ग्रंथों में कर्म को प्रधान रखा है। और कर्म के कारण से ही व्यक्ति स्वामी विवेकानंद बन सकता है, कर्म के कारण से ही व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन सकते हैं। जैसे आज उनकी जन्म जयंती का दिन था, तो वो शोषित समाज से थे, वंचित समाज से थे, और स्कूल में जब गए तो उनको दलित है इसलिए स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इस बात का प्रण कर लिया कि एक दिन जिन लोगों ने मुझे वंचित और शोषित मान के जिनको हमको मुझे दूर किया है, मैं इस देश में ऐसा काम कर जाऊंगा। और मित्रों, इस देश का संविधान उन्होंने लिख दिया, तो वो उन्होंने कर्म किया, अथक रूप से अपने जीवन को बनाया। तो एक कर्म की दुनिया है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ बोलें, कर्महीन नर पावत नाही। तो अभी आपको राम नाम गाने का कर्म करना है, और जो इससे रहेंगे वो कर्महीन कहलाएंगे, और जो कर्मशाली लोग हैं वो उन लोगों की ये सभा है। एक बार दोनों हाथों को भगवान के चरणों में खड़ा कर दे, आज का ही मौका है। हो राम सिया ताली के साथ में, ताली दे ताली दे ताली ताली दे ताली दे ताली ताली दे ताली, राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो हो राम सिया राम सिया राम सिया राम, अक्सर गाता हूं। आज उन पंक्तियों को गाई देता हूं, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम। अब आपको गाना ताली के साथ में, लो ताली बजाओ ताली के साथ में। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के। बड़ा आराम से बजाओ यार। थोड़ा सा एक साथ में गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं आपकी पूरी देश भर में वृद्धावली गा लूंगा कि निजामाबाद में माता मीनू ने ऐसा गाया। ठीक है, चलेगा? ताली बजाओ, एक दो तीन चार, चाची उतर के दो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना, चले चले आना, वो चले आना प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। एक्टिव रहो, आई नहीं बार स्पीकर नहीं लगेगा, बाहर हाई नहीं लगे हुए स्पीकरों में, हाई ट्यूटर उसकी आवाज बढ़ाओ, ट्यूटर की ओनली ओनली मिट आ रहा है। तो बिना सेतु के सागर को कभी लांग सके ना, बिना सेतु बिना से तू बिना से तू के
सागर को कभी लांग सके नारा। ओ जी लांग गए हनुमान उसी को, लांग गए हनुमान उसी को, ओ लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बड़ा हाथ उठा दे, ये देश है वीर जवानों का, है बेलों का मस्तान का, ये देश है वीर जवानों का, हल बेलो, ये देश है वीर जवानों का, हल बेलो मस्तानों का, देश यारो इस देश का यारों क्या कहना, ये देश दुनिया का गहना, मस्तिष्क मारेगा तो सबसे होगा। चकले हीरो की या काते रांझे, या काते रांझे मस्ती में, मस्ती में झूमे बस्ती में, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं रहा, अरे वो पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी तिर जाएंगे, वो हिंदू जाति ने, हिंदू जाति ने सागर की छाती पर पत्थरों को तैराया। मित्रों विश्व में कहीं पर भी पत्थर नहीं तैरता पानी में, लेकिन जिन पत्थरों पे प्रभु के नाम लिखे गए वो पत्थर तैर गए, आज तक भी तैर ही रहे। आपको देखना हो तो कभी गूगल मैप में उठा के देख लेना, आपको दिख भी जाएगा रामेश्वरम से लगाकर लंका के बीच में नीले रंग के पानी में सफेद लकीर दी आपको दिख जाए, तो आप ये सोचना कि ये सफेद जो लकीर है ये भगवान श्री राम के उन पत्थरों की है, और इसीलिए वो पत्थर भी तिर जाएंगे, वो पत्थर भी तिर जाएंगे, जिन पे लिखा है राम, राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। ओ सिया राम